आपको पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूँ जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहता हूँ। दुनिया के काम तो आ रहा हूँ पर एक दूरी में फंस गया हूँ। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार रिश्ते दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं पर आप पर गर्व करने वाला कोई नहीं। लोग तारीफ करते हैं, तालियां पीटते हैं, गालियां देते हैं, पर अंदर से एकदम खाली, जीरो। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। सो वाज माय रॉकेट, लॉस्ट हर टू अचीव माय हाइट्स। मुझे उसका हाथ पकड़े रहना चाहिए था, सच में छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ा। आपको पता है माँ बाप प्यार दोस्त इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए कान में फ्लूइड होता ना, वो फ्लूइड थी मेरा कुसूर। मेरी लाइफ से फ्लूइड खत्म हो गया, एम्प्टी। मुझे खुशी है कि हम देश के काम आ पा रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लाइफ का फुलफिलमेंट तो बैलेंस में है। से कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूज थे हम कि प्लान भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर प्लान भी का असली मकसद तो बैलेंस बढ़ाना है ना, राइट? हम कितने सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के फियर्स, दूसरों की अनसर्टेंटीज, दूसरों के ईगोज हमने कभी मायने ही नहीं रखे, बस एक दिशा में चलते चले गए, वही हमारी दुनिया थी। मेरा गुरूर देखो, मैंने कुसुम को आज तक सॉरी नहीं बोलिया। काश मुझे एक मौका मिलता, कोई बताने वाला होता मुझे, कोई गाइड करने वाला होता, आई लॉस्ट माई चांस, कांट अमेंड माई मिस्टेक्स।